गुड इवनिंग एवरीवन। आज का साडा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की होंगी हैगी, इस चीज़ बारे आप पढ़ांगे। पार्टनरशिप डीड्स दे विच कड़े-कड़े कंटेंट्स होंगे ने, उन्हां बारे अच्छा आप पढ़ांगे। पार्टनर्स दे विच पार्टनरशिप एक लीगल रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप नूं डिफाइन करन दे लई उन्हां उस चीज़ का रिटन फॉर्म दे विच होना बहुत जरूरी हैगा। जो भी रिटन फॉर्म के लिखा जाएगा उसनों आप पार्टनरशिप डीड कहांगे। सब तो पहले आप डेफिनेशन पढ़ देंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंटेड ड्राफ्ट एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स फॉर डिफाइनिंग द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फर्म। डेफिनेशन तो अपन तीन टॉपिक्स क्लीयर होंगे ने गे कि पार्टनरशिप डीड की होंगी है। एविडेंस है सब तो पहला तो यह, इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट होंदा गा तो एज़ अ एविडेंस आप पार्टनरशिप डीड नो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड रिस्पोंसिबिलिटीज़। पार्टनरशिप डीड सारे पार्टनर्स दियाँ ड्यूटीज़ एंड रिस्पोंसिबिलिटीज़ नो डिफाइन करती हैगी। उस तो बाद है रूल्स एंड रेगुलेशंस, केड़े-केड़े रूल्स और रेगुलेशंस तुसी पार्टनरशिप दे लई फॉलो करने नेंगे, वो चीज़ नो पार्टनरशिप डीड डिफाइन करती है। मीनस थ्री टॉपिक्स नेंगे जेडे क्लीयर होंगे ने कि एविडेंस के तौर पर आप पार्टनरशिप डीड नू यूज़ कर सकते हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पोंसिबिलिटीज़ की होंगे पार्टनर्स दियाँ, यह चीज़ पार्टनरशिप डीड के डिफाइन होएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस की होंगे, तुसी अपने मैथड्स अकाउंटिंग मैथड्स के यूज़ करने नेंगे, केड़े-केड़े रूल्स फॉलो करने, यह पार्टनरशिप डीड के लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड दियाँ केड़ी-केड़ी इंपॉर्टेंस ने गियाँ जिहड़ियाँ इन फ्यूचर्स अपन हेल्प करनगियाँ। सब तो पहला है राइट्स एंड रिस्पोंसिबिलिटी। राइट्स रिस्पोंसिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स केड़े-केड़े होणगियाँ, उन्होंने राइट्स केड़े-केड़े ने, उन्हों की रिस्पोंसिबिलिटीज़ केड़े-केड़े नेगियाँ, तो उन्होंने ड्यूटीज़ की होणगियाँ जो पार्टनरशिप डीड के लिए कंपलसरी नेगियाँ, वह पार्टनरशिप डीड के डिफाइन होणगियाँ। प्रॉपर एंड स्मूथ अकाउंटिंग मैथड्स, प्रॉपर यूज़ ऑफ अकाउंटिंग मैथड्स, केड़ा मैथड तुसी यूज़ कर रहे होंगे अपने अकाउंट्स नू मेंटेन करने दे लई, ओह पार्टनरशिप डीड दे विच डिफाइन होएगा। लीगल डाकूमेंट है पार्टनरशिप डीड दा सब तो मोस्ट बेनीफिट की हैगा, यह लीगल डाकूमेंट आ, हैल्पफुल इन कोर्ट केस। इन फ्यूचर तुहाडा डिस्प्यूट हो जाता गा तो पार्टनरशिप डीड दे विच सब कुछ डिफाइन होएगा। तुसी पार्टनरशिप डीड नू लीगल एविडेंस दे लीगल एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते होंगे। नैक्सट है प्रॉपर कैलकुलेशनस ऑफ इंट्रस्ट ऑन कैपीटल। तुसी अपने पार्टनरस नू किन्ना इंट्रस्ट ऑन कैपीटल देना गा वो ये डिफाइन होएगा। नैक्सट है इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग, तुहाडा इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग किन्ना होएगा। नैक्सट है सैलरी ऑफ पार्टनरस, पार्टनरस नू अगर कोई सैलरी देनी हैगी तो वह किन्नी देनी हैगी, ये पार्टनरशिप डीड के लिखा जाएगा। कमीशन किन्ना देना है पार्टनरस नू, ये भी आप किस चीज़ लिखांगे पार्टनरशिप डीड के। नैक्सट है शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, ऑल पार्टनरस नू किन्ना शेयर मिलेगा, उसकी रेशो की होएगी, उस चीज़ की रेशो किन्नी होएगी, वह भी आप किस चीज़ डिफाइन करना गा पार्टनरशिप डीड के। ये सारी इंपॉर्टेंस ने गियाँ जिहड़ियां पार्टनरशिप डीड नू बहुत ही जरूरी बनाउंदियां ने। सब तो पहला की सीगा राइट्स एंड ड्यूटीज़ की होणगियां, अकाउंटिंग मैथड्स केड़े होणगे, एज अ लीगल डाकूमेंट आप पार्टनरशिप डीड नू यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशनस कर सकते हैं जिहड़ियां आप फ्यूचर्स दे विच हेल्प होणगियां। इंट्रस्ट ऑन कैपीटल किन्ना चार्ज करना है, इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग किन्ना चार्ज करना है, सैलरी ऑफ पार्टनरस किन्नी है, किसनू देनी है जां किसनू नहीं देनी, कमीशन किन्ना होएगा, कमीशन किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, उस चीज़ नू आप पार्टनरशिप डीड दे विच लिखना। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स किन्ना होणगे, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स किन्ने होणगे। नैक्सट है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड दे विच आपां लिखना की कुछ हैगा, कि कंटेंट्स होने जरूरी नेगे, ये सारा कुछ आपां अगे पढ़ रहे हैं। नैक्सट सब तो पहला है नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम की होएगा। सब तो पहला फर्म का नेम इस तरह होना चाहिए गा कि वह किसी भी होर किसी फर्म के नाल मैच ना हो, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए गा। नैक्सट है प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्लेस केड़ी हैगी, वेन्यू केड़ा गा, किस जगह पर हैगा बिजनेस तुहाडा, उस चीज़ बारे लिखना गा अपने अपनी पार्टनरशिप डीड दे विच। नैक्सट है नेचर ऑफ बिजनेस, तुसीं किस टाइप का बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस दी नेचर केड़ी हैगी, उस चीज़ को डिफाइन करोगे। नैक्सट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के लिए टाइम पीरियड किन्ना गा, किन्ने टाइम तक तुहाडी जिहड़ी पार्टनरशिप डीड हैगी उह चलेगी, उस चीज़ को तुसीं अपनी पार्टनरशिप डीड दे विच डिफाइन करोगे। नैक्सट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपीटल, तुसी कैपिटल किन्नी किन्नी लगा रहे होंगे,
ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਦਡਰਾ, ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟਨਰ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਥਡਸ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੀਪਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੋਰੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 14th ਪੁਆਇੰਟ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਮ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਲਈ, ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਲੋਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਨਰ ਨੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ